आप देख सकते हैं मैंने अभी चालू कर दिया है कम्प्लीटली, यहाँ प्रेशर बना रहा है, आप देख सकते हैं कितना। हेलो सो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं हमारी एक देसी जुगाड़। तो आज हम बनाने अच्छे सा वाटर पंप। ये आपको क्या वाटर पंप दिख रहा है? नहीं नहीं अच्छा सा वाटर पंप बनाने वाले हैं, इनका यूज करने वाला है जो ये है ढक्कन, और इनके साथ ही जो मोटर का उपयोग करने वाला ये आप देख सकते हैं 775 DC है। आप देख रहे हैं ये मोटर है ना, आपको मोटर दिख रही है ना इस मोटर का, और इसके साथ साथ ये वाला जो हम कबाड़े से मिला है इनका यूज करने वाले हैं। इनके साथ ये आ गया डिब्बा। अरे ये क्या चिपक रहा है, आप देख सकते हैं डिब्बा है, डिब्बे से तो नहीं बन सकता ना, तो हम इसके अंदर से कुछ चीज़ें लेंगे, उनकी सहायता से अच्छा सा वाटर पंप बनाएंगे। तो ये भी हमको अच्छे से ये मिल गया है, जिसे बहुत कम्प्लीटली तैयार बना हुआ है, इनका यूज करने वाले हैं, वाटर पंप बनाएंगे, बहुत ही अच्छा और शानदार तगड़ा हाई प्रेशर वाटर पंप कैसे बना सकते हैं वो हम आपको सिखाएंगे, और आप सीख लेना और बना लेना, अपने घर का काम करेगा ये बहुत ही अच्छा शानदार वाटर पंप है। तो कैसे बनाना है तो बने रहना वीडियो का लास्ट और एंड तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं आपको अच्छा सा वाटर पंप बना के दिखाऊंगा और आप अपने घर पर बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा हाई तगड़ा प्रेशर। तो आप बोलोगे वो कैसे बनाना है, तो मैं बताता हूँ आपको, मैं जो बताता हूँ वैसे करना है। ये आपको मिल जाएगा जो अपने ऐसी मोटर होती हैं जो लाइट से चलने वाली, उनके पीछे ये लगा होता है, बहुत बहुत अच्छी मोटरें होती हैं उनके पीछे इस तरह का लगा ही होता है। तो मैंने वहाँ से निकाल दिया है, इनका इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये जो एक अच्छा सा हमको एक कबाड़े से मिल गया है, इनका उपयोग लेने वाले हैं। इसके अंदर ये आप देख सकते हैं आसानी से इसके अंदर ये आ जाता है। इसमें हम 775 DC मोटर का यूज करने वाले हैं, जो आपके आपको मार्केट से मिल जाती हैं, तो हम इसका यूज करने वाला है। तो आपको अच्छा लगे तो बने रहना वीडियो को लास्ट और एंड तक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि अच्छे से वीडियो आपको मिल सके। तो बने रहना, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा तो किस तरह से बनाना है। तो पहले आप देख सकते हैं ये ढक्कन है, इनको मच्छे से पहले से इस तरह का आकार दे चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं जो ये था उनसे नाप से हमने एक आकार लिया है। इनको मच्छे से किसी सहायता से या आरा पट्टी सहायता से इनको काट लेते हैं, इनको अच्छे से काट कर इसे इस तरह का पार्ट्स को निकाल लेना है ताकि मच्छे से इस तरह का लगा सके। चलो जल्दी से मैं इनको काट के ले लेता हूँ, आप भी काट लेना नहीं तो मैं काट के दे दूँगा, ले लेना। आप देख रहे हैं मैं आरा पट्टी से ही काट रहा हूँ, और कोई चीज़ नहीं है हमारे काटने के लिए, तो आप किसी से काट सकते हैं, नहीं तो आप इस बड़े वाले चाकू हमारे से ले लेना काटने के लिए। तो मैं इससे काटने वाला हूँ, तो इससे काट लेते हैं और फिर आगे मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे काट लिया है, आप भी काट लेना इस तरह से बना लेना। मैंने आरा पट्टी से काट लिया है, मेरे पास कोई ड्रिल मशीन नहीं है, आपके पास हो तो भेज देना कमेंट में। तो चलो तो इसको अच्छे से ये तो काट लिया है, इसके अंदर कैसे लगाना है वो आपको बताऊंगा, ऐसे लगाने वाले हैं। और अभी मोटर को यहाँ लगाने वाले, इसके बीच में छेद करना होगा, जैसे हमारी मोटर होती है इनको मोटर को अच्छे से इसके अंदर लगाना है। तो हमको जो मोटर का जो साइज है यहाँ साइज बराबर इसके बीच में होल बनाना होगा ताकि मोटर को अच्छे से इसके अंदर लगा सके। चलो मैं इसके अंदर सोल्डरिंग की सहायता से इसके अंदर होल कर देता हूँ।
तो ये मोटर कम्प्लीटली बनकर तैयार हो चुकी है। मैं आप कम्प्लीटली टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कितना प्रेशर बन पा रहा है या नहीं, तो आप देख लेना। बने रहना वीडियो का लास्ट और एंड तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसा वाटर पंप बना सकते हैं अपने घर पर 775 डीसी मोटर का यूज करके। चलो मैं आपको अभी टेस्ट करके दिखाता हूँ, ऐसे हम बाहर लेके जाता हूँ और टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कितना पावर और कितना प्रेशर मिल पा रहा है या नहीं। तो मैं इसकी बैटरी यूज करने वाला, मेरे पास बैटरी छोटी है इसलिए मैं इसमें 6 वाट की बैटरी का यूज करने वाला हूँ, इसलिए प्रेशर थोड़ा सा कम रहेगा। तो चलो मैं इसको अभी चेक करके दिखाता हूँ कि रियल में काम कर रहा या नहीं। तो चलो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो मेरे पास ये मोटर अब लेके आ गया हूँ बाहर। ये आप बैटरी देख सकते हैं, 6 वाट की बैटरी है, इसमें मैंने पानी को ले लिया है। और जैसे मैं इसके अंदर ये वायर को टच करता हूँ, मोटर के ऊपर हम वायर लगा देते हैं और मोटर को स्टार्ट कर देते हैं ताकि मेरे पास स्टैंड ही है, इसलिए मैं आज से वीडियो अपलोड या बना रहा हूँ। चलो मैं आपको अभी टेस्टिंग और चालू करके दिखाता हूँ। तो सही आप देख सकते हैं मैंने अभी चालू कर दिया है कम्प्लीटली, यहाँ प्रेशर बना रहा है, आप देख सकते हैं कितना प्रेशर है। जैसे मैंने मोटर को इसके अंदर रखा तो इतना पावर मिल रहा है।